तो आज हम जा रहे हैं आईएमएम मॉल। मैंने सिंगापुर के बारे में बहुत सुना है कि आईएमएम मॉल बहुत फेमस है यहाँ पर, तो वहां पर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। वहां पे सारा सामान बहुत चीप मिलता है, इट्स एन आउटलेट मॉल, तो लेट्स गो। और अपने सूटकेस भी कैरी कर लिया है फॉर शॉपिंग। IMM मॉल अंदर शॉपिंग के लिए क्या क्या है प्लीज़ वॉइस का थोड़ा आप देख लेना। यहाँ पर थोड़ा रश तो नहीं है वैसे आज, लेट्स सी। सो गाइस, हमारा पहला स्टॉप था माइकल कॉर्स और वहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, सारे बैग्स वगैरह का सारा लेटेस्ट कलेक्शन था और वहाँ पर 50% ऑफ भी था। तो आपको इस वीडियो से आइडिया हो जाएगा कि सिंगापुर के प्राइस और इंडिया में जो माइकल कॉर्स के प्राइस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे इस बैग का प्राइस है 699 सिंगापुर डॉलर्स, अराउंड 42,000-43,000 रुपीज़, जो कि इंडिया में भी आई गेस इतने का ही है ये बैग। क्योंकि ये इनका फ्रेश कलेक्शन था इसलिए इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था और काफ़ी सारे बैग्स में 50% ऑफ था। आपको ये देख के आइडिया तो हो ही जाएगा। एंड द नेक्स्ट स्टॉप वाज द कन्वर्स शोरूम एंड द कलेक्शन हियर। एज यू कैन सी, इट वाज सच अ नाइस कलेक्शन। आई हैव नॉट सीन सच अ कलेक्शन इन इंडिया एंड द प्राइसेस वर आल्सो वेरी गुड। Next stop was Team Madden and there was a sale where everything was priced at $59, which is around 3,500-3,600 rupees, जो इंडिया के प्राइसेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चीप था। यहाँ पर एक स्मॉल बैग भी 10,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है और यहाँ पर अराउंड 3,500-3,600 था, जो कि एक स्टील डील था। गए हम नाइकी के स्टोर एंड आई हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द नाइकी स्टोर, बट वहाँ का कलेक्शन काफ़ी कम था, मे बी बिकॉज ऑफ द सेल। और जॉर्डन्स, एयरमैक्स, इन सब के बहुत ही कम वैरायटी थी वहाँ पर, प्लस साइजेस भी अवेलेबल नहीं थे। बेसिकली मैं सिंगापुर गई इसलिए थी कि चार्ल्स एंड कीथ के बैग्स ले सकूं, बट आईएमएम मॉल में तो चार्ल्स एंड कीथ का कलेक्शन इतना गंदा था कि क्या ही बताऊं, तो वहाँ से तो हम कुछ ले नहीं पाए। फिर हमने ऑर्चर्ड रोड, सिंगापुर में है एक
चार्ल्स एंड कीथ का स्टोर, वहाँ से काफ़ी सारे बैग्स खरीदे, बट मैं उसका क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि वहाँ पर इतना रश था तो मैं वहाँ वीडियो बना नहीं पाई। बट मैं एक हॉल वीडियो ज़रूर बताऊँगी जिसमें आपको अपने सारे बैग्स जो मैंने खरीदे हैं वहाँ से वो दिखाऊँगी। अब यहाँ पर कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं बर्किनस्टॉक और हुका शूज़ की, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्राइसेस क्या हैं सिंगापुर के। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आपको आइडिया हो जाए सिंगापुर के प्राइसेस और इंडिया के प्राइसेस। फिर हम पहुँचे कोच के शोरूम में और हमने वहाँ पर पूरा कलेक्शन चेक किया, बहुत ही अच्छा था। ऑफर्स भी थे कुछ कुछ बैग्स पे, ऐसा हम सोच के तो नहीं गए थे कि कुछ लेंगे, बट कलेक्शन इतना अच्छा था और कुछ कुछ बैग्स पे तो इतने अच्छे ऑफर थे कि लेना ही पड़ा। और अगर आप इंटरनेशनल शॉपिंग करते हो तो टैक्स रिफंड लेना बिल्कुल मत भूलना, और सिंगापुर के एयरपोर्ट पर तो टैक्स रिफंड लेना बहुत ही ईजी प्रोसेस है, विदिन 2 मिनट्स आपका पैसा आ जाता है। जब भी घूमने जाओ एक सूटकेस तो ज़रूर कैरी करना चाहिए अपना सामान रखने के लिए, नहीं तो सब सामान हाथ में लेके घूमते रहो। मैं जितना इस वीडियो में शोरूम्स कवर कर सकती थी मैंने किए, और आगे भी थे स्किन केयर के ब्रांड्स वगैरह थे, बट उनका प्राइस मुझे उतना कोई खास नहीं लगा। इंडिया में भी उसी प्राइस पर मिल जाते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स। I'm back and I bought 2 pair of shoes and 2 bags. Actually, मैं चार्ल्स एंड कीथ के लिए गई थी। बेसिकली मुझे पता है कि चार्ल्स एंड कीथ सिंगापुर का ब्रांड है, तो वहाँ पर लाइक इंडिया के कंपेरिजन में यहाँ पर बिल्कुल हाफ प्राइस पर है बैग्स और शूज, बट यहाँ का चार्ल्स एंड कीथ का कलेक्शन इतना गंदा था कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो आई एंड अप विद अ कोच बैग्स, और मैंने 2 कोच के बैग्स खरीद लिए जो कि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। सो गाइज, यू नो द ड्रिल, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज बेक योर ड्रीम्स। एंड अगर आप ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे तभी मैं और वीडियोस बनाऊंगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक करिए जाके और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। Bye-bye.